भाई यहाँ पे तो बारिश शुरू हो गई है। ये तो छुपा हुआ था मेरे से। इतनी लैंडस्लाइड हुई है रिसेंटली, लाइक गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज का मौसम इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है, क्या बताऊं। वैसे मैं अभी हूँ गैंगटॉक में, कल रात में मैं ये पहुँचा। सफ़र कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। रोड इतनी 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 स्मूथ रोड थी, क्या बताओ। आपने वीडियोस में तो देखा ही होगा, आने में 6.5-7 घंटे लग गए यार। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई, बहुत सारी जगह पे लैंडस्लाइड हुई, बट स्टिल ठीक है। फाइनली एट द एंड यहाँ पे मैं और किकॉन आ गए। किकॉन वहाँ पे रुक गया, मैं इस हॉस्टल में आ गया। वैसे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, देखे जाएंगे तो हर जगह फॉग ही फॉग है। आज वही सोच रहा हूँ कि आज क्या करें। यहाँ से यहाँ पे 2-3 places है घूमने वाली, मतलब उससे ज़्यादा भी है, बट स्टिल यहाँ पे टूरिज्म के साथ ही अपने को जाना पड़ेगा घूमने के लिए। बट मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे और आज का प्लान क्या करूँ। जाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा प्लान पूछता हूँ लोगों से कि यहाँ पे और भी कुछ है क्या नियर बाय प्लेसेस, और एल्स यहाँ पे फेमस है टुसंगमा लेक, और भी 2-3 places है। बट स्टिल बाय द वे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ से मेरा आज चेकआउट है। हाँ, मैंने एक दिन के लिए ही बुक किया था। यहाँ पे एक और हॉस्टल है नियर बाय, वॉकिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर तक। सो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे आज जाके स्टे करूँगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वहाँ पे बुकिंग है। प्राइस उसका कम है, बट एम्बियंस बोलूँगा ना मैं तो ये बेस्ट है। अगर आप चाहिए तो मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हो ये वाला प्लेस, और एल्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आके भी विजिट कर सकते हो। 550-600 तक में आपका काम हो जाएगा। बट ठीक है, मैंने प्री बुकिंग करा के रखी थी बहुत सारी जगह पे, लेकिन अभी ये लास्ट बुकिंग है मेरी जहाँ पे आज मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से चेकआउट करके यहाँ से निकलता हूँ, वहाँ जाता हूँ, बैग पैक रखता हूँ और बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे लोकल से पूछा, 2-4 और लोगों से पूछा। सो लाचेन और लाचून ये 2 places है जो बहुत फेमस है यहाँ पे घूमने के लिए। सो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन पता किया तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, 10,000-15,000 के बीच में सिर्फ 3 दिन के लिए। बट मैंने यहाँ पे लोकल में पूछा सो वो मुझे 4-4,500 में ये दोनों प्लेस घुमाने के लिए तैयार है। बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और प्राइस कम हो जाए। बट ठीक है, अभी यहाँ पे जो नॉर्थ में जाने के लिए गाड़ी होती है, जो रास्ता होता है, गाड़ी तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे इतनी लैंडस्लाइड हुई है रिसेंटली, लाइक कि आपने पता ही होगा, सो वहाँ पे जा नहीं सकते हैं फिलहाल। तो आज के लिए तो सारी की सारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। अब मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अगर मुझे जैसे चांस मिलता है मैं भी वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे से भी ट्रेवल करके देखेंगे वहाँ पे भी क्या क्या है। मैं एक चीज़ बताऊँ, वो रहा हॉस्टल, वो सामने हॉस्टल है और ये दूसरा वाला हॉस्टल है, मतलब इतना नियर बाय में ही है। उसका कॉस्ट 700 विद टैक्स। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप अपने से प्राइस निकाल सकते हैं 550-600। अब ये दूसरा वाला है, अब ये भी देखता हूँ कि ये कैसा है रिसेप्शन पे जाके, क्योंकि ये एकदम गैंगटॉक में ही आया। कोई है भाई यहाँ पे? तो कोई नहीं है, लेकिन मैं ढूंढता हूँ किसी को। कोई है? मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये रूम मुझे इसलिए मिला हुआ है क्योंकि मेरी थोड़ी सी बुकिंग अच्छी खासी थी। सो ये रूम मुझे 450 rupees में ही मिल चुका है, लेकिन ये एक दिन के लिए। अगर मैं इसके अलावा अगर बुक करूँगा तो ये लोग मुझे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, जैसे कि 1000 rupees और 1500। जैसे कि अगर मैं सिंगल हूँ, फिलहाल मैं सिंगल हूँ यहाँ पे, सो उन लोग मुझे बोल रहे हैं कि 1000 rupees में आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग रहा है। सो मैंने क्या किया, जहाँ पे मैं कल रुका हुआ था वहाँ पे मैंने बात किया, तो लोग ने बोला कि हॉल में तुम इजीली सो सकते हो, उसका 500 rupees कॉस्ट रहेगा, उसमें मुझे पिलो, ब्लैंकेट और एक लॉकर मिल जाएगा जहाँ पे मैं अपना सामान इजीली सेफ कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे कल की बुकिंग कर दी है, और उसके साथ मुझे एक और खुशखबरी है कि मुझे लाचेन एंड लाचून का पूरा ट्रिप मिल गया है। हाँ, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कि 3 days 2 nights फॉर
4,000 rupees. और उसके बाद जीरो पॉइंट और काला पत्थर एक और प्लेस है, आई एम नॉट श्योर कि काला पत्थर क्या है, मैं भी वो भी चेक करूंगा, लेकिन जो जीरो पॉइंट है वो बहुत फेमस है, तो उसका 400 rupees पर पर्सन कॉस्ट है, तो हाँ 4,400 में मेरा वो पूरा कवर हो गया। यहाँ बहुत सारी जगह पे रास्ता बना नहीं है, सो रास्ता बना रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे भी रास्ता अभी अच्छे से बना नहीं है, बट ठीक है ये रास्ता भी बना रहे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी बहुत सारे पत्थर लेके आके यहाँ पे रखते हैं, और उसके बाद कहीं भी अगर लगता है कि वो सड़क टूटी हुई है, थोड़ा ख़राब है, तो वहाँ पे जाके ये लोग प्रिपेयर करके अच्छे से रोड बना देते हैं वहाँ पे भी। खूबसूरती की एक नई परिभाषा बोल सकता हूँ मैं, मैंने आज तक इतना खूबसूरत जगह नहीं देखा है, फुल पहाड़ों के बीच में घर, पूरा फॉगी फॉगी नेचर, ऐसे लग रहा है कि मैं सच में स्वर्ग में आ गया हूँ। ऐसा एक प्लेस जूनागढ़ में भी है गुजरात में, जिसे जिसका नाम गिरनार है, वहाँ पे भी 5,000 से 6,000 सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ती है, लेकिन ये जो व्यू है वो एकदम खूबसूरत है, कातिलाना मैं कह सकता हूँ। फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ MG मार्केट, मैंने सुना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा, वो फेमस है, सारा का सारा मार्केट लगता है उसमें, सो वहाँ पे भी देखता हूँ, घूमता हूँ, थोड़ा लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे भी क्या स्पेशली है, और वो बहुत फेमस है बाय द वे इन सिक्किम, अगर आप कभी भी गैंगटॉक आएंगे तो MG मार्केट ज़रूर जाइएगा। MG मार्केट जाते जाते ये रास्ते में आपको एक प्लेग्राउंड भी दिखेगा जो कि बेहद खूबसूरत है, यहाँ पे शायद से काम चालू है अभी भी, यहाँ पे चढ़ान तो बहुत है, मेरे हॉस्टल से MG मार्केट की टोटल डिस्टेंस होती है करीबन 1.5 किलोमीटर, सो लेकिन पूरा खड़ी चढ़ान है भाई, मैं तो अभी से थक गया, अभी 1 किलोमीटर और जाना है। हम आ गए हैं MG मार्केट, यहाँ से MG मार्केट चालू होता है, यहाँ पे शुरुआत में ही महात्मा गांधी की एक मस्त बड़ी सी स्टैचू है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो खूब पब्लिक है भाई, ज़्यादा करके इंडियंस, नेपाली और गैंगटॉक के सारे लोग हैं, ये महात्मा गांधी की फ़ोटो स्टैचू बाय द वे, यहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े, अदर भी स्टफ है, देखने जाएंगे तो हाँ यार ये तो बहुत बड़ा मार्केट है। मुझे भी ग्लव्स चाहिए था, सो मैंने भी सोचा कि यहाँ से ले लेता, क्योंकि परसों लाचेन जाना है, मैं बताना भूल गया कि लाचेन का मैंने बुकिंग अभी किया नहीं है, प्राइस निकाल के रखा है, बट स्टिल वहाँ पे जाना है, जाना तो है ही कैसे भी वहाँ पे, सो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाता हूँ, वहाँ पे सब ने बोला है कि ठंडी बहुत गिरती है, सो ग्लव्स कितने का है भाई? ये 300 में दो भैया, दो ब्लैक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, ये वाला हटा लीजिए सर, ये दिस वन विल बी नाइस। मैंने ग्लव्स तो खरीद लिया, लेकिन मैंने ये भी खरीद लिया है, कैसा लग रहा हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा हो लोग बता रहे बट ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शायद से बहुत ज़्यादा ठंडी है, सो कान भी ढकना होना चाहिए ऐसा बोलते हैं, मैं अभी तक इतनी ठंडी जगह पे कभी गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम, सो मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन कर रहा हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए मुझको, सो मैंने ये भी ले लिया है 50 rupees, और वो 150 rupees का था, तो टोटल 200 rupees में मेरा काम हो गया। भाई यहाँ पे तो बारिश शुरू हो गई है, एकदम बारिश का माहौल आ गया यार, वैसे इस टाइम पे बारिश होती नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल इस साल हो रही है, अक्टूबर में भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वैसे मेरे को तो नहीं लगा था बारिश होनी चाहिए, बट नेचर के आगे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ MG मार्केट के बाजू में एक और मार्केट है जिसका नाम है लाल बाजार, सो अभी मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, वैसे यहाँ का लुक तो बहुत अच्छा है,
यू कैन सी, देखने लायक है। यहाँ से तो पूरा शहर दिखता है। आगे जाके देखता हूँ ये मार्केट कैसा है। ये मार्केट भी अच्छा है, देखने जाएंगे तो सारे कपड़े की दुकान और भी सारे बैग्स। ये तो छुपा हुआ था मेरे से। ये मार्केट भी बड़ा है यार। आगे खाने पीने की जगह है। या ये तो शायद से व्यू पॉइंट आ गया हूँ मैं इस जगह पे, कि ये इसी प्लेस में ये व्यू पॉइंट कहलाता है, अभी किसी ने मुझे बताया। क्या नजारा है। भाई यहाँ का तो कचड़ा पेटी भी बहुत धांसू है, बहुत अच्छे स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ का सारा मार्केट तो मैंने घूम लिया। वैसे बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। ये रैकून की एकदम मस्त बड़ी सी आकृति बनी हुई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। भाई एमजी मार्केट तो बहुत अच्छा है, साथ ही साथ मुझे एक फैमिली मिल गई। अंकल आपका नाम? अनवर। अनवर जी रेलवे में जॉब करते हैं, बट यहाँ पे इनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई जो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। बट स्टिल ये कितना क्यूट है। इसका फुल टिकट ले रहे हैं। इसका फुल टिकट ले रहे हैं भाई, इसका फुल टिकट ले रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है भाई, मैं क्या बताऊँ। अभी यहाँ पे वो जो फैमिली मिली थी वो बहुत ही प्रॉब्लम में आके यहाँ पे आई थी। जैसे कि यहाँ पे मैंने कल बताया था कि लैंडस्लाइड हुई है। जो लैंडस्लाइड हुई है, अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन करके रखे, बिकॉज अगर ट्रैवलिंग होती है तो वो डे में करे। जैसे कि सुबह 9 बजे, 10 बजे, 7 बजे, सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके, बिकॉज अगर लैंडस्लाइड हो गया तो इतनी प्रॉब्लम होती है क्या बताऊँ। जैसे कि कोई भी फैमिली है, फ्रेंड्स है जिसके साथ आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो आना जाना बहुत भारी पड़ जाता है। जैसे कि अभी मुझे आने में 7 घंटे लग गए यहाँ पे। बट स्टिल अगर जिस टाइम पे लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ, उस टाइम पे अगर कोई आता तो उसको मे बी ऐसे 1 दिन भी लग सकता था। और यहाँ के लोकल पीपल बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। जैसे कि अभी वो फैमिली ने मुझे बताया, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ लाचेन लाचून के लिए, वहाँ पे छोटा बच्चा अगर 2 साल के नीचे का है तो फ्री है, और वो 2 साल के 1 दिन का भी ऊपर है तो उसको चार्ज कितना कर रहे हैं, 2000 रुपीज़, लाइक एज एन अडल्ट। जितना अडल्ट का फीस होता है सेम उसका भी उतना ही चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। इतना तो उन लोग को थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, बट ठीक है, अब यहाँ का लोकल है तब कुछ नहीं कर सकते। बट स्टिल ये जो कि सरासर गलत है। अभी सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है। अभी मैं यहाँ पे जैसे लाचेन लाचून का 4000 रुपीज़ किया हुआ हूँ, वो 2 दिन के बाद का है। फिलहाल अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो भी कंफर्म होगा कि नहीं, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि अगर लैंडस्लाइड वहाँ पे भी हुई है, अगर वो ठीक हो गया देन ओनली, और नहीं हुआ तो फिर जय राम जी की, जैसा चल रहा वैसे ही। यहाँ गैंगटॉक में इजीली शाम हो जाती है, लेकिन अभी 5:20 हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस रात हो गई है, अब चलो अंदर। और यहाँ का वेदर भी थोड़ा सा अभी सही नहीं चल रहा है, बारिश हो रही है कभी भी, ठंडी भी है साथ में, बारिश भी हो रही है, लैंडस्लाइड भी हो रही है, बट जो व्यू है वो बहुत मस्त है। मैं अभी फिर से हॉस्टल में आया हूँ। यहाँ पे मुझे कल 4 लोग मिल गए थे, तो कल हम बहुत सारी बातें किए, डिस्कस किए, तो सेम चीज़ आज उन लोगों ने बोला कि आओ मिलते फिर से, तो मैं फिर से आ गया हॉस्टल में।